मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जहां पर कुरचोली गांव में माओवादियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मुखबिरी के शक में जन अदालत लगाकर ये हत्या की। कुछ ग्रामीणों को किडनैप करके भी ले गए हैं माओवादी। इससे पहले फुतकेल गांव में भी एक युवक की हत्या की थी। बीजापुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां माओवादियों का आतंक जारी है। फुटकेल में ग्रामीण की हत्या के बाद दूसरी घटना में माओवादियों ने 4 ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। मुखबिरी के शक में जन अदालत लेकर सुनाया था मौत का फरमान। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं पवन। पवन, क्या कुछ पूरा मामला था और कितने ये माओवादी थे, कितने गांव वालों को अभी तक इन्होंने किडनैप करके रखा है, पुलिस क्या कुछ कर रही है? जी देखिए, लगातार जो माओवादी है जिले में अपना जो आतंक है वो फैला रहे हैं। दहशत का जो खेल है माओवादी यहाँ पर खेल रहे हैं। लगातार सरकारी कर्मचारी हो या ग्रामीण हो या सुरक्षा बल के जवान हो, लगातार इनकी हत्याएं वो कर रहे हैं। बीते करीब 10-15 दिन पहले पूसनार गांव में 4 लोगों की हत्या की गई थी, और आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें सावनार कोरचोली का जो इलाका है, जो गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, नदी नालों वाला इलाका है, जंगली इलाका है, वहां से खबर निकल कर आ रही है कि 4 लोगों की जन अदालत लगाकर हत्या की गई है, और इन पर मुखबिर पुलिस के मुखबिर होने का शक जो है वो बताकर इनकी हत्या की गई है। आज सुबह ही एक और जो नक्सल घटना में एक युवक की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में बीजापुर के जो एसपी हैं कमलोचन और बस्तर आईजी हैं पी सुंदर राज, उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की कोई घटना की सूचना न थाने में दी गई है, ना कोई सूचना उनके पास अब तक है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो इलाके में के लोग जो बता रहे हैं कि घटना हुई है, नक्सल घटना में 4 लोगों को नक्सलियों ने मार दिया है। दहशत बनाने का खेल लगातार नक्सली यहाँ पर खेल रहे हैं। एक तरीके से नक्सलियों की बदली हुई जो रणनीति है, हत्याओं की जो रणनीति है, उसको भी पुलिस यहाँ पर समझ नहीं पा रही है और उसको फेल नहीं कर पा रही है। लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है वो गश्त पे है, एरिया डोमिनेशन पे है, नक्सल ऑपरेशंस जो है नक्सलियों के खिलाफ वो चला जा रहे हैं। बावजूद इसके नक्सली लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस के लिए और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती यहाँ पर हर बार की तरह बने हुए नक्सली। जी पवन, में जिन लोगों को किडनैप करने की खबर आ रही है उनमें कितने लोग शामिल हैं और उन पर भी क्या मुखबिरी का शक है? जी देखिए, अभी कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखने की खबर आ रही है। आसपास के कुछ गांव के जो लोग हैं उनको बंधक बनाया गया है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है गांव का वो नहीं है, लेकिन जब भी नक्सली जन अदालत लगाते हैं तो आसपास के 3-4-5 गांव के जो लोग रहते हैं, 400-500 के से ऊपर का वो जनसंख्या रहता है, उतने लोगों के बीच में वो जन अदालत बुलाते हैं, और जिन पर दोष होता है या जिनको मारना होता है वहां उनको फैसला सुनाया जाता है, फिर उनकी हत्या की जाती है। इस तरीके से उस पूरे क्षेत्र में जो दहशत का जो खेल है या नक्सलियों का जो भय लोगों में बन रहा है, उसके लिए पूरी तरह से वो प्लानिंग के साथ नक्सली करते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पवन। भोपाल